हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एपिसोड 13 शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स की बात शुरू करी थी और मैंने आपको बताया था कि हम डिस्कस करेंगे जब दोनों चार्जेस की नेचर क्या हो, सेम हो। और हमने डिस्कस किया था कि जो इक्विलिब्रियम है वो दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर हमें मिल जाता है। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर दोनों चार्जेस की नेचर अपोजिट है, केस टू हमारा स्टार्ट हो चुका है उससे कि अगर दोनों चार्जेस की नेचर अपोजिट है तो इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, चार्ज की वैल्यू क्या होगी और साइन कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक प्रॉब्लम है, आप देख पा रहे हैं दो चार्जेस हैं, 20 सेंटीमीटर का गैप है। पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, फाइंड आउट पोजिशन ऑफ चार्ज क्यू जो इक्विलिब्रियम दे रहे, और मैग्नीट्यूड और नेचर भी पूछी गई है, और दोनों अलग अलग नेचर के चार्ज है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा अगर दोनों चार्जेस अलग अलग नेचर के हैं तो मेरे को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा। सेम नेचर के हैं तो बीच में कहीं का मैं कर सकते हैं। देखिए, इसको करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से मेथड है। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा, अगर दोनों चार्जेस अलग अलग नेचर के हैं, वो चार्जेस आर ऑफ डिफरेंट नेचर, देन इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, विल बी नियरर टू द स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मतलब इक्विलिब्रियम जो आपको है कहां मिलेगा, छोटे चार्ज के पास मिलेगा हमेशा। ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कम है, जिसकी वैल्यू कम है, हमेशा इक्विलिब्रियम उसके पास मिलेगा। इस बात को अच्छी तरह नोट कर लो, लिख लो अच्छी तरह जब आप नोट्स बना रहे हो। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वो छोटे चार्ज के पास कहीं पे मिलेगा। अब छोटे चार्ज का मतलब मैग्नीट्यूड में छोटा, देखो माइनस वाला तो हमेशा ही प्लस से छोटा होता है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में देखिए आप यहाँ पे, ये है 2, ये है 1, हमारे लिए छोटा चार्ज क्या है 1। तो इक्विलिब्रियम कुछ ऐसे डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ से x डिस्टेंस पे आप q रख दीजिए, आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। यहाँ से x डिस्टेंस पे q रख दीजिए, आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अब क्या है, अब वही है जो पिछले क्वेश्चन में था। मान लेते हैं बच्चों इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो F1 है, और इन दोनों के बीच का जो फोर्स है बच्चों वो क्या है, F2 है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए मोड ऑफ F1 की वैल्यू को मोड ऑफ F2 के क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम तभी मिलता है ना जब मोड ऑफ F1 किसके इक्वल हो जाता है, मोड ऑफ F2 के। तो मोड ऑफ F1 की वैल्यू पुट करें बच्चों, मोड ऑफ F1 ये है KQ, मोड लगा दिया तो 1 ले लें, माइक्रो कूलम अपॉन बच्चों X2 इक्वल टू मोड ऑफ F2 KQ2 माइक्रो कूलम अपॉन 20 प्लस एक्स। मैंने सेंटीमीटर को चेंज नहीं किया तो मेरा आंसर ऑब्वियस सी बात है अपने आप ही किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, चलो पकड़ो, K से क्यू से माइक्रो से कूलम से K, ये कैंसिल, ठीक है? हमें क्या मिल गया बच्चों, यहां से हमें मिला 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय 20 प्लस x होल स्क्वायर। डन, समझ आई बात मेरी? अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो 1 बाय x रूट 2 बाय 20 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस x बच्चा √2x। समझ रहे हो, 20 प्लस x इक्वल टू √2x। यहां से क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, इसको इधर ले आइए तो बच्चों x आएगा 20 बाय √2 माइनस 1, ये आ जाएगा x आ जाएगा 20 बाय √2 माइनस 1। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो रेशनलाइज कर दो तो आपको मिलेगा क्या, 20 √2 प्लस 1। रूट टू प्लस वन का मतलब क्या बच्चा, रूट टू की वैल्यू 1.4 1.4 प्लस 1 2.8 2.8 into 20 कितना आंसर आ गया, 56 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक्स की जो वैल्यू हमें मिलेगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के बाद वो कितनी मिलेगी, 56 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, वो भी आपको समझ आया होगा सारा का सारा, एक्स कहाँ पे कंसीडर करना है ये गेम आपको समझ आया होगा। हमारा आंसर ये होगा कि हमें जो इक्विलिब्रियम मिलेगा कहाँ मिलेगा, इक्विलिब्रियम विल बी एट
56 सेंटीमीटर फ्रॉम -1 माइक्रो कूलम और 76 सेंटीमीटर फ्रॉम +2 माइक्रो कूलम। तो जो इक्विलिब्रियम है या तो वो -1 से 56 सेंटीमीटर मिलेगा या +2 से कहां मिलेगा 76 सेंटीमीटर पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। एक बार इक्विलिब्रियम मिल गया तो आपको पता है ना Q कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम इन फोर्सेस को F1 बोलते थे, इन फोर्सेस को बच्चों F2 बोलते थे, और इन फोर्सेस को क्या बोल देते थे, इन फोर्सेस को हम लोग F3 बोल देते थे। समझ आई बात मेरी? तो जब हमें क्यू फाइंड आउट करना होता था हम लोग F1 और F2 को कंसीडर नहीं करते थे, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, क्यू कैंसिल हो रहा था। अगर आप मेरी बात से लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो पहले पिछली वीडियो देखिए, वहां पे मैंने समझाया है कि F1 इक्वल टू F2 क्यों नहीं लेना या F2 इक्वल टू F3 क्यों लेना है। तो यहाँ पे अब आपकी मर्जी है बच्चों, कैपिटल क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप चाहे तो F2 इक्वल टू F3 पुट कर दे और आप चाहे तो F1 इक्वल टू F3 पुट कर दे। मान लीजिए मैंने पुट किया F2 इक्वल टू F3, F2 की वैल्यू बच्चों के क्यू 1 माइक्रो कूलम बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू F3 की वैल्यू, F3 ये वाला है के 2 इंटू 1 इंटू 10^-12 माइक्रो हो गया ना, 10^-12 अपॉन गैप कितना बच्चों 20, मतलब 20 इंटू 10^-2, या आप चाहे तो इसको सेंटीमीटर में रखें 20 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, एक्स की वैल्यू 56 फाइंड आउट कर चुके हैं। बस अब हमें क्या करना है, यहां से हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो K से K कैंसिल, माइक्रो से पावर कैंसिल हो जाएगी, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से Q कितना आएगा, Q आएगा बच्चों 2 माइक्रो कूलम, रख ले यहां पे माइक्रो रख ले इसका, इनटू पावर की बात करें 56 स्क्वायर बाय 20 स्क्वायर। ठीक है, होप आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, होप आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं तो मैं आपको बता सकता हूं ऐसे सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन सॉल्व इटसेल्फ। आप Q की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे F1 इक्वल टू F3 कर दो, चाहे F2 इक्वल टू F3 कर दो। ठीक है, तीसरा काम क्या था बच्चों, चार्ज की नेचर वो कैसे आती है, लॉजिक से। तो लगाओ लॉजिक, चलो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, क्यू हमने मान लिया प्लस है, एज्यूम करते हैं लेट क्यू इज प्लस, लेट क्यू इज प्लस, हम चाहते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे रहता है, जब सभी चार्जेस में फोर्सेस कौन सी डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। चलिए चेक करते हैं, पहले इस प्लस पे चेक करो, ये माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस वाला रिपेल करेगा, कंडीशन चेक। अब इस माइनस को चेक करो, ये प्लस वाला अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस वाला अट्रैक्ट करेगा, कंडीशन चेक। इस प्लस को चेक कीजिए, ये माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस वाला रिपेल करेगा, कंडीशन चेक। तो हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, हमारा आंसर चार्ज का पॉजिटिव आना है। क्या नेगेटिव की पॉसिबिलिटी है, चेक कर लेते हैं, लेट क्यू इज नेगेटिव, लेट क्यू इज नेगेटिव, तो क्यू को नेगेटिव रख के देखते हैं, माइनस ये क्या था बच्चों, माइनस था, इसको तो चेंज नहीं करेंगे, ये प्लस था। अब चलिए माइनस को ये माइनस क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस पे तो बात सही हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस माइनस के साथ क्या होगा, इस माइनस को ये माइनस रिपेल करेगा, ये माइनस रिपेल करेगा, ये प्लस अट्रैक्ट करेगा, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग। इस प्लस को ये माइनस अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस भी अट्रैक्ट करेगा, कंडीशन इज अगेन नॉट सेटिस्फाइंग। तो इसका मतलब ये वाली जो कहानी है क्यू नेगेटिव वाली, वो तो यहाँ नहीं चली। तो हमारा जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, कितनी डिस्टेंस पे होगा, 56 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर सकते हो, मैंने आपको फाइनल तक पहुंचा दिया था। तो बस आपको इस छोटी सी बात का ध्यान रखना है, जब दोनों चार्जेस की नेचर सेम है, इसको नोट कर लेना आराम से पॉज करके, जब दोनों चार्जेस की नेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम बीच में कहीं पे मिलेगा, और जब दोनों की नेचर अपोजिट है तो जो चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा है
उसके पास क्या मिलेगा आपको, इक्विलिब्रियम मिलेगा। एक होमवर्क क्वेश्चन कर लेना, लेते जाओ, ये आपके पास है 4q माइनस और ये है प्लस क्यू, ठीक है, इनके बीच का गैप है 3 है। तो बच्चों आपको ऊपर वाला पूरा प्रॉब्लम रिपीट करना है जो मैंने आपको समझाया है, लेकिन सिस्टम आपके लिए ये रहेगा, समझ आ गया। इस तरह से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जब दोनों चार्जेस की नेचर सेम है तब क्या मेथड रहेगा, समझ गए। जब दोनों चार्जेस की नेचर सेम नहीं है तब क्या मेथड रहेगा, ये भी आप लोग समझ गए। तो इसको आराम से सोल्व करिएगा, यू आर गोइंग टू गेट सम प्रॉब्लम ऑन दिस, ठीक है, समझ गए। चलिए, कोई दिक्कत इसमें हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ SHM को कैसे इंक्लूड किया जाता है, हाउ वी विल इंक्लूड SHM एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पुरानी वीडियोस रिवाइज कीजिए और कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमें YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, Instagram पे फॉलो कीजिए @thephysicsbooster एंड Telegram का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।